सही बोला भाभी, मुझे पैसों की जरूरत है। यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि दो बच्चों की निशंस हत्या हुई, और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने के प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है। उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसका दोस्त का ही घर है, दो बच्चों की हत्या, उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको घायल हो जाएगा, मरीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भेजा है और उनको आश्वस्त किया गया है कि मैं भी कार्रवाई है अगली कार्रवाई में लगभग 11 साल और 6 साल उनको लोग तय करेंगे। पैसों की जरूरत है। 3 ग्लेशियर लिए और रुपए से 5,000 रुपए लिए। हमने हस्बैंड से पूछा, बोले थे तो मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे। आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे, उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे दोनों को मार दिया। बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया के आज बाल काट, तो भैया भैया 20 वाले से माकू मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई, जब मैंने देखा देख यहाँ छुरी जे खड़ी, छुरी लेके खड़ा था भाई। मैंने बाहर से गेट बंद करवा दिया, फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस वाली पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। मैं तो उसको, हम तो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था। हम तो बाद में आए, मैं खुद ही आया लगा 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए थे हम। वो भागा तो था, पकड़ लिया पुलिस ने, पड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे जो छोटा है ये भागा है वो जो जाने,
बात यह है, देखिए हमने हम रहते नहीं थे यहाँ, हम मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना बाल कटवाए जाइए, व्यवहार तुम्हारा क्या करना मुझे उससे। जनपद में भी हर जगह स्थिति सामान्य है, पुलिस की तैयारियां हैं, अब डिप्लॉयमेंट हर जगह कर दिया गया है, सतर्क निगाह रखे हुए हम लोग और सोशल मीडिया पे भी हमारी निगाह है और कहीं से किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। क्या घटना हुई थी सर कल? एक सेकंड आप लोग लेना, हम अलग अलग नहीं ले पाएंगे। क्या घटना हुई थी कल? क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना कोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका, और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया, जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी, और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला, और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, ये बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई।